Welcome to Simply Lakshmi's Life. Good morning, Sunu. Uthe padho. हॉलीडे समर का हो या विंटर का, हॉलीडे मतलब खूब सारी मस्ती और खूब सारा खेल कूद और थोड़ी सी पढ़ाई साथ में, है ना। तो इसके लिए हॉलीडे पे कृति का जो रूटीन है कुछ इस टाइप का है। सुबह थोड़ा सा मैं जल्दी उसको उठा देती हूँ क्योंकि ये काम है जो मेरे हेल्प की ज़रूरत होती ही है, अदरवाइज़ वो नहीं उठ पाती है। सो वो बोलती है मम्मा मुझे उठा देना, बाकी पूरा दिन का जो काम है वो खुद ही कर लेती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कृति का फुल डे रूटीन क्या है हॉलीडे पे। सुबह उठ के उसकी रूम की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, डस्टबिन को बड़े डस्टबिन में डाल देना और छोटे मोटे जो रूम की क्लीनिंग होती है वो कर लेती है। उसके बाद वो आ जाती है डाइनिंग टेबल के पास क्योंकि उसको लेना होता है च्यवनप्राश, जो वो खुद ही ले लेती है। और चीज़ों को सही जगह पे वापस रखना वो एक बहुत अच्छी आदत होती है, अगर बच्ची ये कर लेते तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो ले लेती है बादाम, जो सुबह का उसका यही रहता है। और इस बीच मैं रोटी बना लेती हूँ। जब वो उठती है उसके बाद मेरा नहाना हो जाता है, मैं नहा के फ्रेश होके रोटी बनाती हूँ क्योंकि उसके लिए दो रोटी तो फ्रेश ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ हम लोग तो रात का रोटी भी ले लेते हैं। बनाना, एक रोटी और थोड़ा सा जाइगरी मिल्क, ये है उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट। जब वो स्कूल जाती थी ना तो मैं दो चपाती उसको दे देती थी और हम लोग साथ में बैठ के ही ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी एक्चुअली हॉलीडे चल रहा है तो इतना हड़बड़ी नहीं है, जब उसका ऑनलाइन क्लासेस चलता है तब मैं पहले उसको खाना दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद एक घंटा वो स्टडी करती है। कृति अभी कहाँ जाएगी? साइकिलिंग करने के लिए। हाँ, कृति को तो मतलब सुबह भी साइकिलिंग करने को मिल रहा है। हाँ, एक्चुअली धूप में जाके खेलना इम्पोर्टेंट है तो इसी चक्कर में नीचे वो जा रही है साइकिलिंग करने के लिए, है ना। हाँ। और अभी ना एयर मतलब कान को कवर करने वाला ये मास्क है, सो ये बहुत हेल्पफुल हुआ है कृति के लिए। साइड में अगर कवर रहेगा साइकिलिंग में, उसको अलग से जो हेड वाला रहता है ना वो लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मैं खुद कॉटन लगा के जाती हूँ एयर में क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चलती है यहाँ पे। सो कान में थोड़ा सा अगर कॉटन लगा के आप जाओ ना तो भी ठीक है। और आजकल ये सब बदमाशी भी चलती रहती है, साइकिल चला चला के बच्चे बोर हो रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं। और उसके साथ में है उसकी फ्रेंड। और नीचे से आने के बाद मैं उसको अभी फ्रूट्स दे रही हूँ। दूसरे दिन मैं क्या करती हूँ, उसको जूस दे देती हूँ, मौसमी का या ऑरेंज का। ज़्यादातर ये दो फ्रूट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस विंटर पे। एप्पल तो वो उसको पसंद है, वो तो होल ईयर वो खाती है। इस टाइम पे ज़्यादातर ऑरेंज या मौसमी खिलाती हूँ और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जूस रहता है तो फिर भी खा लेती है। अभी हम साथ में खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो खा रही है, अदरवाइज अकेले तो बिल्कुल नहीं खाती।
मैंने यहाँ पे लिया है आधा लेमन। लेमन का जूस निकालने के बाद मैं ये कृति के सर पे लगाऊंगी, क्योंकि उसके सर पे ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। सो मैं लेमन का जूस यूज़ कर रही हूँ डैंड्रफ रिमूव करने के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई भी सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है कृति की, 3-4 महीने से। और लेमन का जूस धीरे धीरे करके काम करता है। ये नींबू के रस से ना जो डैंड्रफ वगैरह होता है ना वो चला जाता है। और मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मतलब हेल्पफुल हो रहा है। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि इसके ना इसी पोर्शन पे डैंड्रफ है, बाकी कहीं पे नहीं है, बस ये पोर्शन पे डैंड्रफ है। हाँ। हम लोग ना जल्दी जल्दी आ गए अंदर, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। जब भी मैं उसकी हेयर पे ऑयलिंग करती हूँ या कुछ नींबू का रस जैसा ये सब लगाती हूँ ना, सो बाहर मैं उसको जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि बाहर की जो हवा है ना वो थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है। इसकी वजह से जब भी ऑयलिंग करती है वो घर के अंदर रहती है। ऑयलिंग करके वो नीचे साइकिलिंग के लिए भी नहीं जाती है, सो इसीलिए वो नीचे से घूम के आई, फिर मैंने उसके हेयर में ये अप्लाई किया है। अभी आधा घंटा ऐसा वो रहेगी, उसके बाद मैं उसका हेयर सिंपल पानी से वॉश कर देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा पानी में नींबू का रस डाल के उसके हेयर को जस्ट वॉश कर सकते हो। सो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है कृति के लिए। काफ़ी दिनों से मैं ये ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि सेप्टेम्बर लास्ट से मैंने देखा कि उसके हेयर में ना बहुत सारा डैंड्रफ हो गया है, तब से मैं अप्लाई कर रही हूँ, अभी बहुत कम हुआ है। और जब से उसका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है तब से उसका नहाने का टाइमिंग जो है 12 o'clock हो गया है। सो हॉलीडे पे भी वो 12 o'clock ही नहाती है, और उसके बाद थोड़ा पूजा करती है। और अभी हेयर कॉम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हेयर उसका भीगा हुआ है। सो आधे घंटे के लिए वो आ जाती है टीवी देखने के लिए, बस यही एक टाइम मिलता है उसको टीवी देखने के लिए। रीति का अभी एक बहुत बड़ा काम रहता है ना? हाँ। क्या काम रहता है बोलो? पापड़ सीखने के। हाँ। मामी चाटा नहीं तो पड़ी। चाटा? ना तीनटा नहीं तो पड़ी। हाँ तीनटा नहीं तो पड़ो। उसका बस चले तो वो सब ले ले एक साथ। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना? कृति ना जब से अतनु का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है तब से कृति दोपहर को आ जाती है उसके पापा के पास। पहले हम लोग कृति के रूम पे रहते थे, अभी क्या है ना इस रूम पे आके, नहीं तो अतनु को उस रूम पे जाना पड़ता है। एक दो दिन अतनु ने, आपने उस रूम पे भी काम किया था ना? हाँ, उस रूम पे जाके वो मैथ्स करेगी अपने पापा के पास, क्योंकि उसको दोपहर में, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में उसको बोलती थी कि तुम रीडिंग करो, कुछ भी बुक्स या कुछ भी रीडिंग करो, लेकिन रीडिंग से ज्यादा उसको मैथ प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। दोपहर के टाइम हम लोग भी करते थे जब हमारा वेकेशन चलता था। सो अभी कृति का वेकेशन चल रहा है तो हाँ। कृति अपनी आफ्टरनून को इस तरह से स्पेंड करती है। हाँ, और एक कल है मेरा लास्ट हॉलीडे। हाँ, 4th जनवरी से स्कूल रीओपन हो रहा है, मतलब स्कूल तो नहीं हो रहा है, वर्चुअल जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगा, है ना? हाँ। तो इस तरह से उसका जो हॉलीडे रूटीन है वो चल रहा है। वैसे तो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, घर पे ही है, रूटीन जो है ज्यादा तो चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ मॉर्निंग 8 o'clock से 12 o'clock का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है उसका। और आज का वेदर ना सडनली चेंज हो गया। सुबह जब कृति गई थी नीचे उस टाइम पे अच्छा खासा धूप था, बट अभी तो एकदम से क्लाउडी हो गया है, हवा चल रहा है, हवा तो था ही बट कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, शायद हम लोग बैठे थे ना इसीलिए। और अतनु को ना चाय पिलाना पड़ेगा, नहीं तो अतनु सो जाएगा अभी। चलो अतनु को चाय पिलाते हैं। वेदर भी अच्छा है। वेदर भी अच्छा है। कॉफी पीना है? पी सकता। चलो।
चलिए कॉफी पीते हैं। और कृति कृति उसने कुछ मैथ्स तो किया नहीं, थोड़ा बहुत ही किया। और उसके बाद अभी क्या कर रही है वो? एलेक्सा को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कुछ एलेक्सा को वो बहुत छेड़ती है, बहुत परेशान करती है एलेक्सा को। मैं कुछ रखी हूँ उसके पास। हाँ, एक तो अलेक्सा, नहीं तो वो उसके पास जाती है, श्री के पास। अरे कृति इतना खुश क्यों पता है? अभी उसको साइकिलिंग करने जाना है। देखी तो बाहर जाना तो क्यों? बाबा जी सोनू बाहर पूछो ना, ठंडा ठंड है, चाहे कोई भी कुछ भी हो। और एवरीडे वो क्या करती है, मिल्क पीने के बाद वो नीचे जाती है साइकिलिंग करने के लिए। कोरोना के चक्कर में अभी साइकिलिंग कर रही है, पहले तो वो खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। बट आज क्या हुआ, आज वेदर बहुत ख़राब हो गया। सुबह तो धूप था, लेकिन आफ्टरनून के बाद से ना एकदम से क्लाउडी हो गया था वेदर। और अभी बाहर हो रही है बारिश, तो इसी चक्कर पे वो आज नहीं गई है। सो अभी वो अपनी पियानो प्रैक्टिस कर रही है और साथ में सिंगिंग भी। तो इस तरह से वो टाइम पास करती है, अदरवाइज ड्राइंग करती है, ड्राइंग करना उसको बहुत पसंद है। सो इस तरह से उसने आज अपना अवेनिंग टाइम स्पेंड किया, अदरवाइज नीचे जाके वो साइकिलिंग कर लेती है 1 घंटा। और उसके बाद 1 घंटा वो अपना स्टडी करती है। एक्चुअली जब नॉर्मल स्कूल रहता है ना, उस टाइम पे उसका स्टडी करने का टाइम यही एक था, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देके उसको करना पड़ता था। बट अभी क्या है ना, अभी घर पे रहने के कारण स्टडी का टाइम थोड़ा सा मैंने डिवाइड कर दिया है। सो ज़्यादा टाइम के लिए एक ही बार मैं नहीं उसको स्टडी करने के लिए बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके टाइम डिवाइड कर दिया है मैंने। सो उसका स्टडी रूटीन मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। আমি উল্টা দিকে করেছি, দেখো এটা এমনি আর আমি এমনি করেছি। আচ্ছা তো দেখি, দেখো সো ইয়ে ওয়ালি ড্রয়িং বানাই হ্যায় কৃতি নে। হ্যাঁ, মানে উল্টা শিখিয়া, দেখো উল্টা শিখি। ইটস ওকে, নো প্রবলেম। দেখো चलो आज कृति की कुछ ड्राइंग शेयर करते हैं जो उसने इस बीच बनाया है। ये एक फेस बनाया है, बहुत ही क्यूट सा फेस है। हाँ, और तब वाले ये मत देखो, ये अच्छा। ये गिटार है। हाँ, गिटार का ब्लैक कलर ना थोड़ा सा डार्क हो। ये ऑयल पेस्ट है क्या? नहीं, ये पेंसिल कलर। पेंसिल कलर है तो डार्क, मैंने तो मोटा करे हलो क्या ना, क्या ना हम इन्हीं करे करे थे, खूब डार्क हो गया, खूब डीप करे। ये है आंखें, किसकी आंखें है? ये मेरा, कृति की आंखें। हाँ, ये ऑयल पेस्ट। हाँ, ये तो शेयर किया था। सामने वाला जो ड्रेस मैंने देखा वो दिखाओ तो। देखो कृति ये सब बनाती रहती है ना, डॉल्स के लिए ड्रेस डिजाइन किया है उसने। तो ये वाला ड्राइंग उसने रिसेंटली बनाया है, और पहले वाला बहुत सारे ड्राइंग तो मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। और ये ना एक्चुअली वो क्या करती है, देख के बनाती है, वो भी सीख रही है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि उसका ना बहुत होता है ना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सो देख के वो बनाती है, कभी कभी क्या करती है वो बिना देखे ही जो उसने प्रैक्टिस किया है वो बना लेती है। सो ये भी अच्छी बात है, ऐसे ही अगर बच्चे टाइम पास करें तो अच्छा ही है। आकृति का टेबल ऐसा ही रहता है। हाँ, अभी खराब हो गया, अभी खराब हो गया क्योंकि उसकी ड्राइंग की वजह से ना ये व्हाइट कलर एकदम से कलरफुल हो गया है। हाँ, कल क्लीन करना अपनी स्टडी टेबल, ठीक है? घाड़े मुड़े जाके बोले। अभी नया साल है ना। हाँ, नए से टेबल को, अपनी स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? हाँ, इतने पेपर्स की ड्राइंग है। हाँ, अच्छा से इस फाइल में रखना है। हाँ, जो जो ड्राइंग है वो फाइल में कल कर लेना, ठीक है? हाँ, ओके। तो ये यही रहता है कृति का नॉर्मली, मतलब हॉलीडे वाला रूटीन। सो अभी उसने स्टडी थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है, और अभी कृति क्या करेगी? डिनर कर। हाँ, तो अभी कृति डिनर करेगी है ना। हाँ।
और रात को डिनर के बाद ब्रश करके रीडिंग करना उसका एक बचपन का आदत है। हम लोग आजकल क्या हो रहा है कि हॉलीडे है तो डिनर करते करते थोड़ा बहुत टीवी मूवी या कुछ भी देख लेते हैं, तो इसके कारण डिनर करते करते हम लोगों का 1 घंटा टाइम चला जाता है। और उसके बाद कृति अपने रूम पे आके स्टोरी बुक रीडिंग करती है। कभी कभी मैं क्या होता है ना, मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो आज छोड़ दो, लेकिन नहीं, ये टाइम वो बहुत इंजॉय करके रीडिंग करती है। और वो अभी बिग फ्रेंडली जायंट वाला स्टोरी पढ़ रही है। वो एक्चुअली उसको पढ़ना इतना पहले पसंद नहीं था, जब से वो वाली मूवी उसने देखी है तब से उसमें इंटरेस्ट आ गया है और वो इसको ख़त्म करने में तुली हुई है। तो ये था कृति का फुल डे रूटीन, विंटर वेकेशन का फुल डे रूटीन, है हाँ। ना? और लगभग हॉलीडे जो है वो खत्म होने को है, और हॉलीडे उसने बहुत एंजॉय किया। हाँ एंजॉय किया। हाँ कृति का सबसे हैप्पीएस्ट जो टाइम रहता है दिन में वो है नीचे साइकिलिंग का। हाँ और खेलने और खेलने का। और अभी तो मतलब वेकेशन चल रहा है तो जल्दी जल्दी सोने का कोई ऐसा नहीं है कि इतने बजे सो जाना है, बट कृति दोपहर को नहीं सोती है ना, तो जल्दी जल्दी वो सो जाती है। ज्यादा लेट नहीं करवाती हूँ क्योंकि ज्यादा लेट होगा तो सुबह थोड़ा लेट उठेगी, तो इसके कारण सुबह उसको ऐसे उठाने के लिए जल्दी सुला देती हूँ। लेकिन अभी इतना ज्यादा मतलब जल्दी नहीं है, अभी 10:30 ऐसा टाइम हो चुका है। सो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग एपेंड करेंगे, और आज का ब्लॉग आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। हाँ और अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ कृति के फुल डे रूटीन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। हाँ हाँ तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की रिक्वेस्ट जितने सारे वीडियोस हैं सारा कुछ मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड बी सेफ। तो चलिए अभी हम लोग करेंगे मैजिक, है ना, एक मैजिक करेंगे, और हमारे कैमरे के पीछे कोई नहीं है, ठीक है, अपने आप मैजिक होगा। ओके 1, 2, 3, lights.